Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू फॉर नाइस भागवत महात्म्य, प्रेम सका प्रभु और कीर्तन, हरे कृष्णा। तो हम लोग आज के भागवतम सत्र की शुरुआत करते हैं। हम लोग हरे कृष्णा, तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के पांचवे अध्याय का श्लोक नंबर 43। तो शुरुआत करने के पहले हम लोग गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेते हैं और उससे शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मैं शेयर करता हूं श्लोक, शेयर भागवतम 3। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 3:5 तो हम लोग श्लोक देखते हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते, कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते, व्रजेम सर्वे शरणं यदीश, व्रजेम सर्वे शरणं यदीश, कृतं प्रयच्छत भयं स्वपुंसां, स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसां। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते, व्रजेम सर्वे शरणं यदीश, स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। ओ लॉर्ड, You assume incarnations for the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation, and therefore we all take shelter of your lotus feet because they always award remembrance and courage to your devotees. Hindi mein iska main ek bar anuvad pad leta hu. Hey Prabhu, aap virat jagat ke srijan, palan tatha sanhar ke liye avtar lete hain. इसीलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। काफी बड़ा है तो मैं कुछ लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर शिव तीन अवतार हैं।
ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रक या स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार है, क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। हरे कृष्णा। तो विल कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के पांचवे अध्याय का श्लोक नंबर 43। तो अब यहाँ पे आज का जो श्लोक है वो क्या वर्णन कर रहा है। हे भगवान, यहाँ पे कहे आप विराट जगत के सृजन हैं, पालन तथा सहार के लिए अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे अब भगवान से कहा जा रहा है कि आप सृजन यानी जो क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन तीनों के लिए आप अवतार लेते हैं, ठीक है। तो विश्व से जन्म स्थिति संयमार्थ है, यानी विश्व के जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का जन्म स्थिति असंयम, जन्म स्थिति असंयम, तो इसके लिए आप क्या करते हैं। कृता अवतार से पदाम भुजमते, कृता आप अवतार लेते हैं, कृता अवतार से पदाम भुजमते व्रजेम सर्वे शरणम यदीश। तो हम जो हैं, हम आपके जो पदाम्बुज है, लोटस फीट है, इसका व्रजेम हम जाते हैं इनके शरण में। मृतम, जिससे क्या होता है, मृतम प्रयच्छत अभयम स्वपुंसाम, स्मृतम और अभय, ये दो चीजें हमको मिलती हैं। तो अब यहाँ पे ये जो श्लोक है ये कौन बोल रहा है, कैन एनीबडी टेल मी। मैत्रेय मुनि, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ट्राई करती हूँ, पता गलत भी हो सकता है। डेमिगॉड प्रभु जी। वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू मेगा। तो ये जो श्लोक है ये डेमिक, जो सारे जितने देवी देवता हैं वो बोल रहे हैं, और हम देखते हैं ये देवता गण जो है वो बोलना शुरू करते हैं श्लोक नंबर 39 से। देवा उचुहु, तो उनका अब ये प्रयास यहाँ से शुरू हुआ है, और हमने देखा कि कैसे वो भगवान के चरण कमलों का वो क्या बोलते हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि भगवान के चरण। यहाँ पे हम देखें तो उनका मूड वो पूरे भगवान की नहीं, उनके जो सिर्फ चरण कमल हैं वो कितने पावरफुल हैं, वो कितने वंदनीय हैं, वो कितने श्रेष्ठ हैं, ये बता रहे हैं। तो वो खाली चरण कमल की, और फिर हमने देखा वो कैसे
जो अम्ब्रेला है उससे कंपैरिजन करते हैं, और आज क्या कह रहे हैं कि हम सारे उनकी शरण में जाते हैं। क्यों? एक चीज, क्योंकि जन्म स्थिति और संयम अर्थ है, आप क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए आप अवतार लेते हैं। तो कोई सोचेगा, अरे मेंटेनेंस तो भगवान विष्णु करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिएशन तो ब्रह्मा जी करते हैं या डिस्ट्रक्शन तो शिव जी करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप ही अवतार ले रहे हो, आप ही सब कर रहे हो? तो हम लोग जानते हैं क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी करते हैं, तो यहाँ पे देवता लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं आज कि आप ही कर रहे हो? कहने बड़ी टेल यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देवता ही सारा मेंटेनेंस क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेघा माता जी। प्रभु जी, क्योंकि वो जो इंचार्ज होते हैं, भगवान जो है इनको इंचार्ज जैसे बनाते हैं ये सारे मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए। वेरी गुड, फंटास्टिक। सर्वोदय प्रभु। या प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। बिकॉज प्रभु जैसे कि भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी दे आर इन दी डेमी गॉड्स, दैट्स व्हाई प्रभु। हाँ, डेमी गॉड्स तो हैं, और हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देवता लोग आज क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे हैं। इवन क्रिएशन आप कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं। यस विश्वंभर प्रभु जी। अरे भगवान तो बुरा होता रहते हैं, तो उसमें शिव बुरा होता। आपका आवाज क्लियर नहीं, बहुत इको हो रहा है। अरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान हाँ के अब जैसे ठीक है, हाँ बोलिए भगवान के प्रभु। जैसे वैसे गुणा अवतार होते हैं जिसमें शिव जी गुणा अवतार परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया प्रभु। तो कैसा है कि ये जितने भी जो हैं, जैसे अगर प्रभु जी ने बताया, बहुत सही बताया कि ये सारे जो हैं ये भगवान के ही अवतार हैं। और दूसरा, अगर हम देखें तो हम जब सेकंड कैंटो में गए थे तो सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं ये मैं नहीं करता। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचिताम रोचयामि अहम्। मतलब भगवान क्रिएट करते हैं, उनके ब्रह्म ज्योति से सब कुछ आता है, और उसके बाद में फिर मैं उसमें हाथ लगाता हूँ। और हमने ये भी देखा था, जस्ट टू रिकैप, कि सर्ग विसर्ग ये जो 10 हैं उसमें से सर्ग जो है ओरिजिनल क्रिएशन, दैट इज डन बाय लॉर्ड कृष्णा, भगवान करते हैं उसको, और विसर्ग जो है जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो हाँ जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी मतलब ओरिजिनल क्रिएशन तो ये हो गया, और हम ये देखे डिस्ट्रक्शन भी है, अनंत शेष है, उनके मुख से जो है अग्नि निकलती है तब ये डिस्ट्रक्शन होता है, और शिव जी भी जो है, शिव जी भी उसमें भाग लेते हैं, तो वी नो दैट। अब ब्रह्मा जी भगवान के अवतार हैं, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? ब्रह्मा जी भगवान के अवतार हैं। क्विकली रैपिड राउंड फास्ट, ब्रह्मा जी भगवान के अवतार हैं। प्रभु जी, ब्रह्मा जी ये गुणावतार करके थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो जैसे विश्वभर प्रभु जी ने बताया था, तो ब्रह्मा जी जो हैं ये भी भगवान के ही अवतार है, लेकिन वो उनके गुण अवतार है। और हमने ये काफी पहले आई थिंक फर्स्ट कैंटो में हमने कवर किया था कि भगवान के 6 प्रकार के अलग अलग अवतार हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, ये सब सारे जो हैं ये अलग अलग अवतार भगवान के हैं। और ब्रह्मा जी जो है वो भगवान का ही अंश है, वो उनका जो है गुण अवतार है, वो सृष्टि हेतु वो इसको जो है वो जो है भगवान ब्रह्मा जी का ही एक इंकारनेशन है, और वो ये सब करते हैं ये। तो ब्रह्मा जी जो है गुणा होता है, देर इज नथिंग रॉन्ग टू से ब्रह्मा जी
भगवान विष्णु के ही या भगवान कृष्ण के ही अवतार है, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू से इन दैट, ठीक है। और जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, अगर हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि वो उनके उनके ही अवतार हैं वो। फिर अब यहाँ पे ये जो एक रॉन्ग बिलीफ है इन जनरल, मतलब जो भागवतम का अच्छा स्टडी कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि सब कुछ जो है भगवान कृष्ण ही करते हैं, लेकिन अरे ये तो ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, शिव जी डिस्ट्रक्ट। तो ये जो एक गलत धारणा है, ये यहाँ पे सारे देवता जो है इसको तोड़ रहे हैं, इसको दे आर जस्ट ब्रेकिंग दिस रॉन्ग बिलीफ। और ये कौन बोल रहा है, अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कुछ भी कि मैं भी अभी जैसे कोई व्यक्ति है वो बोले कि अरे अंबानी जी कुछ नहीं करते, सारा तुम काम मैं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो बट इफ अंबानी हिमसेल्फ इज सेइंग कि ये जो है ये डिवीजन ये व्यक्ति संभाल रहा है, ये ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, लेकिन वो जब खुद बोलते हैं तो इट बिकम्स ऑथोराइज्ड। एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द सेम पर्सन कि ये हो रहा है दैट बिकम्स वेरी ऑथोराइज्ड, लेकिन हम अपने मन से बोले कि ये ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि देवता खुद बोल रहे हैं कि ये काम हम लोग नहीं करते, ये भगवान आप ही कर रहे हो, तो सो ये जो एक गलत धारणा है यहाँ पे ये हमारी खत्म हो जाती है। भगवान के बारे में जो सारे देवता गण है वो खुद कह रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो ये यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत अवतार लेते हैं, जैसे क्रिएशन के लिए यानी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए आप अवतार लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बोलते हैं कि यू अज्यूम इनकारनेशन, मतलब ये नहीं बोलते आप एक सिंगल अवतार ले, सिंगुलर नहीं है वो, ये जो वर्ड है संस्कृत में ये प्लूरल है अवतारस्य, तो मतलब एक नहीं कई अवतार लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो सृष्टि के लिए भगवान का कौन सा अवतार है, कैन एनीबडी टेल मी, जैसे अभी हमने देखा ब्रह्मा जी हैं, सो दैट इज क्लियर। अब मेंटेनेंस के लिए भगवान के कौन से अवतार हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेघा प्रभु जी, मेंटेनेंस फॉर विष्णु, विष्णु करते हैं, और भी जैसे कुछ राक्षस लोग जब आ जाते हैं, जैसे जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यागी या हिरण्याक्ष, वो डिस्टर्ब करता था, वो सारे वेद को लेके उसने छुपा दिया, ये कर दिया। तो मेंटेनेंस सही चलना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज बना के छोड़ दो और वो अपना आप चलता रहे, नहीं, उसको ध्यान भी रखना पड़ता है, उसको ये देखना पड़ता है वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और भगवान इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जब देखते हैं कोई असुर आ रहा है या कोई नास्तिक आ रहा है जो डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, तो तुरंत उसको वो हटा देते हैं वहां से। तो मेंटेनेंस का एक भाग वो भी है, और भगवान विष्णु जो है अपने एक अवतार में वो ये कार्य करते हैं, तो फिर ऐसे कई सारे अवतार लेते हैं मेंटेनेंस। और डिस्ट्रक्शन का हमने देखा शिव जी जो है, शिव जी करते हैं, अनंत शेष करते हैं, तो ये सारे जो हैं अवतार भगवान लेकर ये तीनों कार्य करते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय। यानी यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाहे वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय भी आप ही कर रहे हो, और यहाँ पे आज दूसरे जो देवी देवता हैं सब मिलके वो सारे वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये आप ही कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं फॉर क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन देयर आर थ्री इनकार्नेशंस, भगवान के तीन अवतार, एक ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं। और ये हमने देखा कि ये जो है उनके गुण अवतार है, भगवान विष्णु जो है वो सत्व गुण में है, ब्रह्मा जी रजोगुण में है, और शिव जी सॉरी रजोगुण में नहीं है, वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, और शिव जी जो है वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, वो खुद उस गुण में नहीं है, वो
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी कभी सोचते हैं अरे शिव जी तो तमोगुणी है, नहीं वो कैसे तमोगुणी हो सकते, वो तो सबसे परम परम वैष्णव है। हम लोग तो बोलते हैं कि वैष्णव को आदर देना चाहिए, मान देना चाहिए, जो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसको उसको तो हम लोग को आदर देना चाहिए। तो वो शिव जी तो परम वैष्णव है, वो कैसे तमोगुणी हो सकते। तमोगुणी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, वो तो सोने में खाने में इसी में अपना टाइम व्यतीत कर। जो सत्वगुण में है या सत्वगुण के परे, मतलब एटलीस्ट उसको सत्वगुण में होना चाहिए तब वो अच्छे से भक्ति कर सकता है। तमोगुणी व्यक्ति जब भी करना है तो लेटे लेटे हरे कृष्णा एक खराटा मारेगा बीच में पे, तो तमोगुणी व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकता। तो शिव जी हाउ कैन ही बी अ तमोगुणी, वो परम वैष्णव है, ही कैनॉट बी अ तमोगुणी। तो वो कंट्रोल करते हैं तमोगुण को, ये हम लोग को समझना है इसमें से। और ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं और वो करते हुए अपना सारा कार्य जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द डेमिगॉड्स डायरेक्टली रिफर टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। सारे देवता जो है डायरेक्ट भगवान से निर्देश लेते हैं, नॉट फ्रॉम द डिफरेंट इनकार्नेशन। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें कि सारे जो देवी देवता हैं भले ही अवतार जो है इतने सारे वामन अवतार है या नरसिंह अवतार है या कश्यप है, मत्स्य है, कूर्म है, मोहिनी है, इनसे इंस्ट्रक्शन नहीं लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सीधा भगवान से लेते हैं। तो वाई इज दैट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि अगर जैसे हम भगवान बुद्ध का एग्जांपल लें तो उनको वो फॉलो नहीं कर सकते, उनको हम लोग एज ए डिवोटी भी फॉलो नहीं कर सकते, तो देवता कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि उनका जो इंस्ट्रक्शन था उनका दैट वाज कॉन्टेक्स्टुअल जो था उस एक कॉन्टेक्स्ट के लिए था और उसी उसी एक स्पेस टाइम के लिए था, उसी के लिए था ना, उसके पहले वो उनका इंस्ट्रक्शन वैलिड था ना उसके बाद वो उसका इंस्ट्रक्शन वैलिड है। तो मोहिनी का ले लो, उदाहरण ले लो या कोई भी ऐसा ले लो, तो देयर द पर्पस इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक वो आते हैं। जैसे मत्स्य अवतार है, उसका काम था जो सत्यव्रत मुनि जो राजा थे उनको बचाना था, वेदों को बचाना था, सारे स्पीशीज को बचाना था, और वो उतना काम किया और वो चले गए। तो दे ऑलवेज टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, उनका जो है या वेद है, वेद से भी क्यों लेते हैं, क्योंकि वेद भगवान ने दिए हैं, उनने जब देखा, हमने जब ब्रीथ किया तो उनके ब्रीथ से ये सारे वेद निकले थे। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि इंस्ट्रक्शंस वो सिर्फ जो है भगवान कृष्ण से लेते हैं, बाकी देवी देव सॉरी इनकार्नेशन से या अवतार है उनसे नहीं लेते उनके। और इसमें भी प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान विष्णु का अवतार है ये इन द मटेरियल वर्ल्ड इज हाउएवर डायरेक्टली वर्शिप। तो सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अवतार तो बहुत है, अब ब्रह्मा जी भी अवतार हैं, तो हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं क्यों नहीं करते हैं हम लोग, वी रिस्पेक्ट हिम बट हम एज ए सुप्रीम पूजा नहीं करते, लेकिन एज लॉर्ड विष्णु वी कंसिडर हिम एज सुप्रीम, यस हम उनकी पूजा करते हैं। तो वैसे ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये सारे जो हैं ये भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, दे आर नॉट इन द फुल एक्सटेंट। और भगवान विष्णु की क्यों करते हैं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी क्लोज टू द लॉर्ड। जैसे भगवान में अगर देखा जाए तो 64 क्वालिटीज है, भगवान विष्णु में 60 क्वालिटीज है, सो ही इज क्लोज टू दैट, सो इट मीन्स वो उनका जो गुण है काफी कुछ जो है सुप्रीम से मिलता है। इसके सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उसके लिए, और इसीलिए जो है जो देवी देवता जो विष्णु की आराधना करते हैं वो अपने आप को मतलब ये मानते हैं कि मैं मतलब इस लायक नहीं हूँ या उसमें इतने गुण नहीं है, इसके लिए वो विष्णु की आराधना करते हैं। और इसके लिए हम लोग ये जो है ब्रह्मा जी इनका हम उतना जैसे सुप्रीम की तरह या जितने भी देवी देवता हैं एज ए सुप्रीम हम उनकी आराधना नहीं करते, हम सिर्फ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की ही आराधना करते हैं। ऐसा नहीं दूसरों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हम लोग, उनको भी आदर देते हैं पूर्ण, लेकिन पता है श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान विष्णु है ये। और अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी भी खुद बोलते हैं कि
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व सर्व कारण कारणम। और फिर जो अगर शिव जी बोले तो बोलते नहीं, शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन वो देवों के देव महादेव वो क्या कह रहे हैं वो हम लोग को सुनना चाहिए, नॉट हम लोग अपना धारणा बना के उसके हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। साक्षात शिव जी क्या बोल रहे हैं, आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, जो जितनी भी आराधना है उसमें सबसे बेस्ट है हमको विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और उसमें भी जो उनके तदीय नाम समर्चनम, जो उनके तदीय है उनके पैर फेरने लिया है उनके भक्त हैं उनकी आराधना करनी चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं यहाँ पे विष्णु ऑलवेज टेक पार्ट ऑफ डेमिगॉड्स, कभी भी भगवान विष्णु है जो सिर्फ देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते भी है कि हम देखते हैं जब भी किसी को कोई डिफिकल्टी आती है, जैसे पृथ्वी को अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है तो वो ब्रह्मा जी के पास आती है, ब्रह्मा जी फिर जो है क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं, अपना टेलीपैथी से मैसेज भेजना शुरू करते हैं, भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो फिर उसके बाद में ये सब जो है यहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और ये सब हो रहा है। ये तो सब जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु फिर जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो वो हमेशा जो है देवताओं का साइड लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी ऐसे नहीं है। कभी कोई राक्षस विष्णु के, हमने कभी नहीं सुना कोई राक्षस विष्णु के पास गया कि आप मेरी रक्षा करो और वो बोलते ठीक है मैं तेरी रक्षा करता हूँ और किसी देवता को मार दिया, कभी नहीं। क्योंकि उनको पता है कि मुझे मुझे देवताओं की रक्षा, जो सही है मुझे इसकी रक्षा करनी, जो गलत है उसको मुझे दूर रखना है, आई हैव टू इवन इफ आई हैव टू किल आई विल किल। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी ऐसे नहीं है। कभी कभी जैसे वो था भस्मासुर, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा सा वर चाहिए, बोलते ठीक है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है, बोलते ले लो, और होता क्या है वो जो भस्मासुर उनके ही पीछे पड़ जाता है। ब्रह्मा जी के पास भी देखते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सब जाते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मा जी को पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर कृपा कर देते हैं ऐसा। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे नहीं है, भगवान विष्णु हमेशा वो देवताओं की साइड लेते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं although they are incarnations of the Lord Brahma, Lord Shiva, worship Lord Vishnu and thus they are counted among the demigods. इसलिए उनको हम लोग demigods में की तरह, हम देवताओं की तरह देखते हैं, not as supreme. वो point देखा फिर हमने, sorry हाँ विष्णु वाला था। फिर बाद में यहाँ पे translation में बहुत एक अच्छा और एक point एक यहाँ पे ये है, सारे देवतागण क्या कह रहे हैं, we all take shelter of your lotus feet, व्रजेम पदाम भुजम थे, हम आपके शेल्टर में जा रहे हैं, आपके जो चरण कमल हैं उसके शेल्टर। व्हाई? बिकॉज़ यू अवॉर्ड रिमेम्बरेंस, आपके जो चरण कमल है ये हमको स्मृतम, ये हमको स्मृति देते हैं। तो हम लोग सुनते हैं भगवान के, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ये वहां पे जाता है तो वो कुछ हमको स्मृति देता है। तो क्या स्मृति देता है हम लोगों को, एनीबडी? भगवान के शरण में जाते हैं, उनके चरण कमलों को याद करते हैं, तो क्या स्मृति देता है हमें? प्रभु जी आपका सवाल, प्रभु जी तो वापिस एक बार पूछिए ना, सॉरी प्रभु जी। हाँ, जैसे यहाँ पे देवतागण कह रहे हैं कि हम लोग जब आपके चरण कमलों की शरण में जाते हैं तो वो हमको स्मृतम और अभयम दो चीजें देता है। तो ये किस चीज का स्मृतम, यानी किस चीज का रिमेम्बरेंस देता है हमें उनके चरण कमल? दिव्य ज्ञान प्रभु जी। दिव्य ज्ञान तो प्राप्त होता है, हम लोग हमेशा ज्ञान को हम लोग जो है रिमेम्बरेंस नहीं करते हैं। अच्छा, इट गिव्स अस, भगवान का जो गुरु का कृपा है वो हम लोगों को
ज्ञान देता है, बट स्मृति रिमेम्बरेंसेस ऑफ फॉन्ड मेमोरीज, हम जब बोलते किसी मेमोरी की बात करते तो ओ उसने कितना ज्ञान दिया, या ज्ञान इज देयर ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी, बट उनके चरण कमलों के शरण में जब जाते हैं तो व्हाट, हम जब भी हम भगवान की शरण में जब जाते हैं तो हमको जो है मतलब हमको स्मरण होता है, अरे भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रहलाद महाराज का, अरे वाह उन्होंने कैसा उनका रक्षा किया अपने भक्त का, एक छोटा सा बालक था, उसका पिता जो दुनिया का सबसे बड़ा असुर था वो मारने के पीछे पड़ा था, लेकिन हर बार उसको बचाया, उसको एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक खरोच तक आई उसको उस सांप के सबसे दुनिया के विषैले सांप के पिट में डाला तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर पहाड़ से फेंक दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, तो हाउ वंडरफुल इज लॉर्ड, हाउ ही इज प्रोटेक्टिंग, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करता है। फिर जब भी भगवान के हम स्मरण करते हैं तो उनके भक्तों का स्मरण होता है कि भगवान के भक्त जैसे प्रहलाद महाराज हैं, फिर जितने उनके भक्त हैं तुकाराम महाराज हैं, इतने संत हैं, इतने सारे आचार्य हैं, उनका स्मरण होता है कि कैसे ये लोग जो हैं कितने महान हैं। नारद मुनि जी का स्मरण होता है, जैसे भगवान का जब स्मरण होता है तो ऑटोमेटिकली दे आर कनेक्टेड। नारद मुनि जी जो हैं वो अगर देखें तो उनका क्या गुण है उनका, वो बड़े से बड़े असुर को भी वो चेंज कर देते हैं, क्या महानता है वो, कितने ग्रेट हैं नारद मुनि जी। तो ऐसे जो भगवान के जो भक्त हैं उनका स्मरण होता है, और कितने दयालु हैं भगवान, ऐसे मतलब जब भी हम लोग का स्मरण होगा तो ऐसे अरे भगवान जो हैं वो कितने कंपैशनेट हैं, वो इवन जो असुर जो उनसे नफरत करते हैं, नास्तिक हैं, उनको नहीं मानते, उनको भी चला रहे, ऐसा नहीं है कि वो उनको हेट करते हैं तो भगवान अरे इसे चलो सांस रख दो, इसको हवा देना बंद कर दो, नहीं, उसको धूप पानी छांव सांस हवा सब कुछ दे रहे हैं उसको, जो ठीक है, ही इज नॉट ठीक है चल अपना ही बच्चा है जाने दो, तो ही डजंट बॉदर, तो ही इज हाउ कंपैशनेट ही इज, तो ये हम लोगों को स्मरण होता है। फिर बाद में अब हम भगवान की शरण में कैसे जाएं, हम लोग व्हाट आर द वेज, तो हम लोगों को अगर भगवान की शरण में जाना है तो हम लोगों को भक्तों का संग, साधु संग, हम लोगों को उनके एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, तब हम लोग जो है हम भक्तों के संग में सॉरी भगवान के शरण में रह सकते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि हम अकेले के बलबूते पे मैं भागवतम पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अकेले में रहूंगा, मैं एकांत में रहकर भजन करूंगा, वो नहीं होगा, तो हम लोगों को भक्तों का संग करेंगे हम लोग। जैसे प्रभुपाद जी के भी बहुत फेमस वो फास्ट टाइम है ना कि प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे तो उनके कुछ शिष्य ने उन्हें एक पेड़ की तरफ दिखाया, बोला उसके पेड़ के ऊपर एक भक्त जो है मचान बना के बैठा है ऊपर, वो बहुत सारा दिन भर राउंड ही करता है, वो कभी नीचे ही नहीं आता, तो प्रभुपाद ने रिजेक्ट किया, बोला ना बोला ही हैज़ टू टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ऐसा नहीं है कि भजन नहीं करना है, भजन करो, लेकिन एकांत में जो भजन है वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, हम एकांत में भजन नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को भक्तों का संग में रहना है, भक्तों के संग प्रसाद लेना है, वी नीड टू रब शोल्डर्स विद द डिवोटीज, उनसे सीखना है, उनसे क्या अच्छे गुण है उनको देखना है, एनालाइज करना है, एंड वी नीड टू टेक दैट। तो ये सारा जो तरीका है By that we can take shelter of devotees. अब ये तो हो गया स्मृतम, अब ये देता है हमको अभयम, हमको अभयम भी देता है भगवान के जो चरण है वो हम लोग को करेज देते हैं। तो does anybody remember anything from this? कहाँ पे या कैसे अभयम दिया भगवान के भक्तों को? प्रभु जी वो हाथी को दिया था ना, गजेंद्र, गजेंद्र हाथी नहीं बोलना चाहिए, इज डिवोटी, सॉरी सॉरी, इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, सो या गजेंद्र को उनको पांडवास द्रौपदी ये अभय थे, उनको पता है, उसको पता है कि दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, तो इनिशियली वो अपने बलबूते पे वो सोच रही थी मैं, लेकिन जब देखा हवा हाथ में नहीं है तो ए भगवान आप मेरी रक्षा करो,
और एनी एनी अदर एग्जांपल्स प्रभु जी? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? हम लोग तो थोड़ा सा कोई अगर हमसे टेढ़ा हो जाता तो हम उससे डरते रहे, यार ये प्रभु ये ऐसा करता है, ये मैं क्या करूं। लेकिन प्रहलाद महाराज देखो, जो दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है, मतलब उसने सारे देवी देवताओं को अपने कंट्रोल में रखा था, सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे सब डरते हैं, शनि उसको भी अपने कंट्रोल में रखा था। लेकिन ये बच्चा 5 साल का, ऐसा भी नहीं बड़ा था, इज वेरी सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं, बट उसका जो फेथ है, उसका जो श्रद्धा है भगवान पे, हाँ ये मेरी रक्षा करेंगे। व्हाट इज दैट, जो जो सिक्स सरेंडर का जो है शरणागति, उसमें से एक है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो ये जो था उसका प्रिंसिपल एकदम क्लियर था, और इसको बिल्कुल कहीं पे भी डालो, मुझे सांप के पेट में डालो, अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पाण से भी फेंक दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ परवाह ही नहीं है, मैं गिर रहा हूँ नीचे, सांप के हूँ, हाथी के पाँव, हाथी जो है वो पाँव से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो दैट फेथ। तो अगर हम भगवान का सही शरण लेते हैं तो बिल्कुल भी जो है ना भय नहीं होगा, उल्टा करज रहे, अरे क्या है। और इसका मेरे को हमेशा जब भी इसकी बात करते हैं तो आई ऑलवेज रिमेम्बर जो गोपास, जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं, जब अघासुर जब मुंह खोल के बैठा था तो इनिशियली दे थॉट इट्स अ केव, लेकिन जब जैसे जैसे अंदर गए तो जब बदबू आने लगा तब वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है। लेकिन अरे अपना काना है ना, चिंता क्यों करता, वो देख लेगा। सो दैट इज दैट फेथ, उतना कॉन्फिडेंस है, अपना कहना है ना, वो देख लेगा। तो वो अभयम ऐसा जो है वो मिलता है भक्तों को। प्रभुपाद जी को देखे, प्रभुपाद जी द एज ऑफ 60, जब सब लोग रिटायर होके वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन छोड़ के वो कहाँ गए, वो US में, वी नो दैट टाइम, इन दैट एज, इन 60s, इट वॉज हेलिश। हम लोग आज US जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो था इट वॉज सुपर सुपर हेलिश था, मतलब हर जगह पे रस्ते पे ये हिपीज लोग थे, दे वर हैविंग सेक्स, ड्रग्स ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एंड प्रभुपाद वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल, अपना जो है कि सब उनको मतलब अच्छी तरह से चाहिए था, नथिंग अनकंटेमिनेटेड, लेकिन ही वेंट टू द मोस्ट कंटेमिनेटेड ब्लिस। और ये भी नहीं सोच रहे थे कि वहां पे जाके, और नहीं किसी को जानते भी नहीं थे, जस्ट इमेजिन आज मुझे अगर कहीं जाना है, हम लोग गोवा के लिए, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, वहां पे कौन सा होटल है, उधर यहाँ पे हम लोग को AC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधर खाना मिलेगा कि नहीं है, प्रसाद है कि नहीं है, कितना प्लानिंग करते हैं। प्रभुपाद जी जस्ट मतलब एकदम US जाना है मुझे, बस कैसे होगा वो भगवान चिंता, अरे कहना है ना अपना, वो देख लेगा। That is the faith they have, and that is why, because they have courage. क्योंकि अपना काना है ना, अरे काना है ना, देख लेगा वो। तो that courage is given. तो देखें, जैसे भक्तों को, जैसे हम कई बार बात करते हैं, भक्तों को ऐसा नहीं है कि जीवन में तकलीफ नहीं आती, मिजरीज हैं, भक्त के भी जीवन में मिजरीज हैं और एक अभक्त के जीवन में मिजरीज है, लेकिन फर्क क्या है, जैसे कोई आता है एकदम डर जाता है, अरे भगवान ये क्या होगा, अरे मेरा अकाउंट का इतना पैसा चला गया, या मेरा ऑफिस मुझे ये परेशानी, मेरे कोलिग्स परेशान कर रहे हैं, लेकिन भक्त को ऐसा नहीं, अरे अपना कहना है ना, देख लेगा जो भी मिजरीज हैं, जो भी आ रहा है, त्रिताप है, कोरोना में हम लोग देखा कोरोना में कितना भक्त कोई मतलब यही थी, सारा दुनिया डर के बैठी थी, लेकिन भक्त जो है अपना, भक्त जो है अपना अच्छा सा एसोसिएशन कर रहा है, जो वट एवर पॉसिबल, एंड ही वॉज लेट, उनको कोई ऐसा नहीं था। तो अभय ये तब आएगा हम लोगों में जब हमारा सरेंडर जो है हमारा सही होगा, इफ नॉट वो अभय नहीं। अगर अभी भी हम लोग डरते हैं और ये कैसे होगा, वो दैट मीन्स वी आर नॉट सरेंडर, तो दैट मीन्स वी नीड टू इंक्रीज अवर सरेंडर, वी नीड टू इंक्रीज अवर फेथ, हमारा श्रद्धा भगवान, हाँ मेरा कहना है ना, वो देख लेंगे। तो वो जब होगा उसके ऊपर छोड़ो ना, द्रौपदी भी यही सोच रही थी कि मैं देखती हूँ, उसने पांचों, पहले तो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी को पुकारा, वो नहीं है, फिर पांचों पति को पुकारा, वो भी नहीं है, फिर अपने उसने हाथ से साड़ी पकड़ा,
लेकिन दुशासन इतना 10,000 हाथी को बल वाला वो उसके साथ वो भी छोड़ गया, लेकिन फाइनली उसने दांत में पकड़ा, बोला चल मैं थोड़ा सा कुछ करती हूँ करके, और दांत में भी पकड़ा, वो भी जब छूट गया तब फिर उसने हाथ उठाया। तो वो फेथ, वो सरेंडर, वो हम लोगों को भगवान पे होना चाहिए। और जब हम दिखाते हैं, भगवान कृष्ण भी तब तक वो हाथ बांध के बैठते हैं, भाई तो हम अपना जोर लगाओ, तो पांचों पति को बुलाओ, पितामह भीष्म को बुलाओ, अपने हाथ से साड़ी पकड़ो, दांत से पकड़ो, वो तब तक नहीं आते, वो अपना हाथ बांध के बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, चलो भाई देखता हूँ तुम्हारे से। तो ही इज वेरी पॉजिटिव, तो मेरी शरण में आओ, इसके लिए बोलते हैं अहम त्वाम सर्वभाव, मेरी शरण में आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज। वो नहीं बोलते कि इसके शरण में भी चले जाओ, थोड़ा सा इनका भी शरण देखो, उनका भी शरण, नहीं, मेरे अकेले के शरण में आना, इज वेरी पॉजिटिव। और वो जब हम देखते हैं अब तू संभाल, मुझे नहीं कुछ करना, तू संभाल। और फिर जब उसने, जब द्रौपदी ने छोड़ दिया साड़ी और जब काना को पकड़ा, हे मुरारी, तब वो आए। और ऐसे आए, बोलते हैं कि वो जो साड़ी था वो भगवान कृष्ण ही थे, इतना लंबा, उन्हें क्या बोलते उसको, कुछ वर्ड है मेरे को याद नहीं आ रहा, चीर अवतार या समथिंग ऐसा कुछ, वस्त्र अवतार, उन्होंने इतना लंबा कि वो दुर्योधन 10,000 के बल, हाथियों के बल वाला, वो भी खींचते 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 वो थक गया, लेकिन नहीं कर पा। तो वो सरेंडर हम लोग को बढ़ाना है, हम लोग को सेहत बढ़ाना है, और वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग निर्भय हो जाएंगे। तो ये मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को तनुत प्रणाम, श्रीमद् भागवतम की जाय, प्रभुपाद की जाय, इस्कॉन गुरुवृंद की जाय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जाय। हरे कृष्णा।